This is the Epilogue Audio Experience. कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में शुरुआत करते हैं उस दिन से जब भगवान विष्णु जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लेने की सूचना दी। क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई, चलिए सुनते हैं आज विष्णु अवतार कृष्ण। बहुत बहुत समय पहले की बात है, उस समय पृथ्वी पर राजाओं का राज होता था। कुछ राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले होते थे, उनको संभालते थे, उनका सब तरह से ध्यान रखते थे और प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। एक बार यह पृथ्वी ऐसे राजाओं से परेशान हो गई थी कि अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते थे और उन पर बहुत अत्याचार करते थे। वे असल में राक्षस या असुर थे लेकिन अपने आप को राजा मानते थे। जब पृथ्वी पर अपराध और अनाचार बढ़ गया, जब इन सबको सहने की शक्ति वह खो बैठी, तब वह एक गाय का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर भगवान ब्रह्मा से मदद मांगने गई। अब ये गाय का रूप क्या हुआ? तो लोक कहानियों के अनुसार समय आने पर धर्म बैल के रूप में तथा पृथ्वी गाय के रूप में अवतरण मतलब अपना रूप धारण कर लेते हैं। अब तुम पूछोगे कि सुमेरु पर्वत कहाँ है, तो वो है आज के कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और चीन देशों के बीच की जगह पर इलावरत के बीच में। पृथ्वी गाय के रूप में दुखी होती हुई ब्रह्मा जी से बोली, प्रभु राजा उग्रसेन का पुत्र दुष्ट कंस मुझ पर अत्याचार कर रहा है। उसने तो अरिष्ट, धेनु का, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद आदि राक्षसों को भी अपने साथ मिला लिया है। वे सब मिलकर सभी प्राणियों को बहुत तंग कर रहे हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनी और भगवान विष्णु से फरियाद की। भगवान विष्णु बोले, हे पृथ्वी तुम डरो मत, मैं स्वयं तुम्हारे कष्टों को खत्म करने के लिए अवतार लेकर आने वाला हूँ। कृष्ण और उनके बड़े भाई शंकरषण यानी बलराम का जन्म होगा। वे दोनों मिलकर कंस और अन्य दुष्ट राक्षस राजाओं का नाश कर देंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर पृथ्वी खुशी से फूली नहीं समाई और वह उनको धन्यवाद देती हुई चली गई। उसे विश्वास हो गया था कि अब शीघ्र ही कंस और अन्य दुष्ट राजाओं का धरती से सफाया हो जाएगा। पता है उस युग के असुर योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति मतलब पावर का असंतुलन इम्बैलेंस हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री विष्णु कृष्ण अवतार लेने वाले थे। गोकुल नगरी में राजा उग्रसेन का बेटा कंस इतना दुष्ट था कि उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को ही कारागार में बंद कर दिया। कारागार मतलब जेल। वह कहता था कि इस नगर का राजा मैं ही हूँ, मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कंस के भय के चलते पूरे नगर के लोग कभी कुछ बोल ही नहीं सकते थे। कंस की एक चचेरी बहन भी थी जिसका नाम था देवकी, जो कि कंस के पिता के छोटे भाई देवक की बेटी थी। कंस देवकी से बहुत लाड करता था। उसने तय किया कि देवकी का विवाह वो बेहद धूमधाम से करेगा। देवकी का विवाह शूरसेन के पुत्र वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस अपनी प्यारी बहन देवकी और वासुदेव के रथ को खुद हांकता हुआ चलाते हुए उनको अपने ससुराल विदा कर रहा था। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी आसमान से एक आवाज आई, हे मूर्ख कंस, हे कंस, क्या तू जानता भी है तू किसका रथ हांक रहा है? जिस बहन को तू ससुराल भेज रहा है उसी की आठवीं संतान तेरा काल होगी। वासुदेव और देवकी की आठवीं संतान के हाथों तेरा वध होगा। यह सुनते ही कंस ने झट से रथ को रोका। वह
वह अचंभित हो गुस्से से भर गया। खुद को बचाने की सोचने लगा और खुद को बचाने के लिए अपनी प्यारी बहन देवकी को ही मारने के लिए वह तैयार हो उठा और अपनी तलवार म्यान से खींच ली। वासुदेव ने तुरंत हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की, मगर कंस कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं था। तब वासुदेव ने कहा, हे कंस, मेरी पत्नी को तुम छोड़ दो। अगर तुम मेरी पत्नी के प्राण नहीं लोगे तो मैं अपनी सारी संतानें उनके जन्म के तुरंत बाद तुम्हें लाकर दे दूंगा। वासुदेव की यह बात सुनकर कंस शांत हो गया। उसने देवकी और वासुदेव की जान नहीं ली, पर शर्त यह थी कि जैसे ही उनकी संतान जन्म ले वैसे ही वे उसे कंस को सौंप दे। जब देवकी को पहला पुत्र हुआ तो वचन के पक्के वासुदेव अपना पुत्र कंस के पास ले आए। कंस ने सोचा, आठवें पुत्र के लिए मैं पहले पुत्र को क्यों मारूं और उसे छोड़ देता हूं। तब वहां नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए। नारद जी वैकुंठ धाम के एक दिव्य संत हैं। वे चाहते थे कि जल्द से जल्द कृष्ण का जन्म हो, इसलिए कंस को उकसाने के लिए वे कंस के पास आए थे। उन्होंने कंस को बताया कि भगवान के प्रकट होने की भविष्यवाणी सुनकर आकाशवाणी सुनकर वृंदावन और मथुरा के लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। और नारद ने यह भी कहा कि कंस और उसके परिवार को जन्म लेने वाले सभी बच्चों से सावधान रहना चाहिए, पता नहीं कौन देवता का अवतार हो। अब कंस सोचने लगा, पता नहीं देवकी और वासुदेव का कौन सा पुत्र मेरा काल होगा। यह सोच सावधानी के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया। नारद जी की बात से कंस को ऐसा लगा कि जन्म लेने वाला कोई भी पुत्र कृष्ण हो सकता है। लेकिन अब कंस देवकी और वासुदेव का क्या करे? तो उसने देवकी और वासुदेव के हर जन्मे पुत्रों को विष्णु का अवतार समझकर मारता रहा। इस तरह दुष्ट कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया। देवकी और वासुदेव बहुत दुखी थे, मगर कुछ भी नहीं कर सकते थे, दोनों कैदी थे ना, और कंस अपनी जान बचाने के लिए उनकी कोई बात सुनना भी नहीं चाहता था। जब 7वीं संतान का जन्म होने वाला था, ऐसे में विष्णु भगवान ने हल निकाला और उन्होंने अपनी शक्तियों में योग माया, जो एक प्रमुख शक्ति है, उनसे कहा कि वे व्रज भूमि गोकुल में जन्म ले। गोकुल में वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी महाराजा नंद और रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों के कारण रोहिणी और अन्य यदुवंशी सारे देश में बिखर गए थे। कुछ तो पर्वत की गुफाओं में रह रहे थे छुपकर। भगवान विष्णु ने योग माया की मदद से देवकी और वसुदेव के 7वें पुत्र को रोहिणी की कोख में भेज दिया। देवकी के 7वीं संतान को उसकी कोख में ही मरा हुआ समझा गया, लेकिन हमें तो पता है ना कि वास्तव में तो 7वीं संतान सुरक्षित सेफ हो गई थी। इस तरह वह दुष्ट कंस के हाथों मारे जाने से बच गया। 7वें पुत्र का नाम संकर्षण यानी बलराम रखा गया। फिर भगवान ने योग माया से कहा कि मैं अब अपनी सभी शक्तियों के साथ देवकी की 8वीं संतान बनकर आने वाला हूँ। उस समय तुम वृंदावन में नंद और यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेना। देवकी और वासुदेव को अपनी 8वीं संतान की प्रतीक्षा थी। इस समय देवकी के चेहरे पर बहुत दिव्य तेज था। उसके चेहरे की सुंदरता अद्भुत थी। सभी देवता अत्यंत खुश थे कि भगवान गाय रूपी पृथ्वी को दिया हुआ अपना वचन पूरा करने वाले हैं। लेकिन कारागृह में देवकी और वासुदेव को चिंता सता रही थी कि जन्म लेते ही कंस उनके 8वें पुत्र का भी वध कर देगा। देवकी अपने भाई कंस से बहुत डरी हुई थी। ऐसे में समय समय पर देवता और उनकी पत्नियां आकर देवती को सांत्वना देते,
और कहते कि भगवान खुद आपकी और इस पृथ्वी की रक्षा के लिए आ रहे हैं, आप इतनी चिंता ना करें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसे हुआ कान्हा का जन्म? क्या कंस उनको जन्म लेते ही मार पाया? कौन से चमत्कार से कृष्ण सुरक्षित हो पाए? इसके आगे की कहानी हम कान्हा की मस्ती भरी कहानियों की अगली कड़ी में सुनेंगे इपीलॉग मीडिया वेबसाइट या आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। अरे एक और मस्ती भरा इंटरेस्टिंग आइडिया, आज की कहानी का कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा उसकी ड्राइंग बनाकर हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपकी इस कोशिश को हम जरूर सभी के साथ शेयर करेंगे आपके नाम के साथ।